गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि फ्रॉम निधि अभी चैनल। कैसे हैं गाइस आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। एंड आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक शेयर करने वाली हूँ गाइस, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम लगभग हर गर्ल्स के साथ होती है गाइस। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा गाइस। तो मैं जो टॉपिक शेयर कर रही हूँ वो तो मैं आपको बता दूँ। तो गाइस वो ना मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ गाइस, नेल्स केयर। गाइस नेल्स केयर की प्रॉब्लम ना हर दूसरी लड़की के साथ होती है क्योंकि ना गाइस कितना भी हम कोशिश कर लेकिन अगर हम अपने नेल्स की ग्रोथ अच्छी चाहते थे, कभी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, कभी उनमें कोई नेचुरल शाइनिंग नहीं बचेगी, कभी अगर ग्रोथ होगी तो वो टूट जाएंगे, कभी उसमें येलोइश से उसमें कलर आते हैं नेल्स में। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर के ना मैं आज आपके लिए आई हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करेगा, कंटिन्यू वीडियो को देखेगा तभी आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम का सलूशन समझ में आएगा गाइस। क्योंकि ना ये जिसके जिसके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है ना उसके लिए ये वीडियो पक्का वाला हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि गाइस मैं आज आपके आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों होती है, कब होती है एंड इस प्रॉब्लम का परमानेंट सलूशन क्या है गाइस। ओके, तो फिर वीडियो को स्किप नहीं करना है एंड अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद जो बेल बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि नेल्स की जो प्रॉब्लम होती है ना वो क्यों होती है। जैसे कि यू कैन सी मैंने भी अपने इस हाथ में नेल पेंट अप्लाई कर रखा है। अगर गाइस आप ये नेल्स देखेंगे तो इसमें मैं नेल पेंट अप्लाई नहीं किया है। जो आपको बीच में ये दिख रहा है ना गाइस, ये मेहंदी का मार्क पड़ गया, मेहंदी का निशान है। तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है गाइस? तो जनरली तो ये प्रॉब्लम हम गर्ल्स के साथ तब होती है जब हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पानी में बीतता हो। जैसे कि अगर हम अपने हाथ को काफ़ी देर तक पानी में रखें, कपड़ा धुलना, बर्तन धुलना, किचन का काम गाइस, घर की साफ़ सफाई हर गर्ल्स की लाइफ का ही पार्ट होता है। हाँ, तो उस ड्यूरिंग भी ना हमारे नेल्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो उस ड्यूरिंग हमको क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारे नेल्स वीक ना पड़े? कामों की वजह से जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है ना, तो हमारे हाथों में गाइस बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। तो ऐसा ना होना इसके लिए आपको क्या करना है गाइस? सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब भी आप काम कर रहे हो, घर के बर्तन धुल रहे हो, कपड़े धुल रहे हो, तो इन सब कामों को फिनिश करने के जस्ट बाद आपको जो पहली चीज़ करना है वो करना है, आपको अच्छे से अपने हैंड को वॉश करना है। हैंड वॉश की हेल्प से आपको हैंड वॉश करना है। तो गाइस हैंड वॉश करना है एंड हैंड वॉश के बाद गाइस आपको अप्लाई करना है बॉडी लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र। गाइस ये आपको हमेशा करना है, जब भी आप काम से फ्री हो जाए ना तो इस तरीके से आपको लेना है। इसको अप्लाई कैसे करना है गाइस, ताकि ना गाइस काम करने के बाद जब अगर आप ऐसे डायरेक्टली अपने हाथों को छोड़ देंगे ना तो वो जितने भी उसके बैक्टीरियाज होते हैं ना उस दिन वो सारे आपके नेल्स में इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो आपके नेल्स को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देंगे। तो गाइज़ ये तो हो गया उनके लिए जिनके कि नेल्स बढ़ते हैं बट बहुत ही जल्दी से वीक हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं काम की वजह से। एंड गाइज अब मैं अगर दूसरे टॉपिक पे बात करूँ तो वो है कि जिनके नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं, जिनके नेल्स की ग्रोथ होती ही नहीं है, वो कितना भी चाहे बट उनके नेल्स की ग्रोथ नहीं होती है। गाइज़ ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है बट मेरे साथ तो गाइज़ ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने नेल्स को आज कट करूँगी तो तीसरे से चौथे दिन के बाद मेरे नेल्स की ग्रोथ मतलब कि वापस से वैसे ही हो जाती है। बट गाइज़ ये जिसके साथ होती है ना प्रॉब्लम, ये उसके लिए होगा जो मैं। तो गाइज़ अगर आपके नेल्स की ग्रोथ बिल्कुल नहीं होती है या फिर बहुत ही कम होती है, बहुत ही लेट होती है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है गाइज ये वाला कोकोनट का ऑयल गाइज, जो कि पैराशूट एडवांस एलोवेरा हेयर ऑयल होता है गाइज, जो कि ना आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा गाइज, क्योंकि ये जो कोकोनट का ऑयल आ रहा है आजकल एलोवेरा के साथ ना गाइज बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही इफेक्टिव ये वर्क कर रहा है। तो गाइज जो थर्ड प्रॉब्लम है एंड ये सबसे ज़्यादा मतलब कि ये भी सभी के साथ होता है, मेरे साथ तो होता है गाइज एंड मैं इसको यूज़ भी करती हूँ, कि नेल्स में ना नेचुरल शाइन ना होना गाइज, ये बहुत ही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर नेल्स में ना हमारे नेचुरल शाइनिंग नहीं होती है ना तो नेल्स बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, वो येलो सा रहता है, पूरा नेल्स पूरे येलो से होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है गाइस, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है एंड क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मेरे साथ होता था पहले, बहुत ही ज़्यादा होता था गाइस, नेल्स में ना नेचुरल शाइन बिल्कुल भी नहीं होता था। ओके, तो वही मैं आपके साथ वही मैं आज के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। उसके लिए आपको लेना है
एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई के कैप्सूल, आपको विटामिन ई के कैप्सूल एंड एलोवेरा जेल को मिक्स करना है ओके। एंड विटामिन ई के कैप्सूल आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे इजीली मिल जाएगी, बहुत ही सस्ती से मिल जाएगी, या फिर उसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं वीएलसीसी आयुर्वेदा का एलोवेरा जेल गाइस, जो कि विटामिन ई की गुडनेस के साथ है। मैं इसी को यूज़ करती हूँ गाइस। ये एलोवेरा जेल मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के लिए गाइस मतलब कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ ओके। तो आप चाहें तो एलोवेरा जेल को एंड विटामिन ई के कैप्सूल को मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसको परचेस कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहें तो मैं इसका बाय लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ पर ज़रूर इसको चेकआउट करिएगा। आपको इसको क्या करना है, लेना है थोड़ा सा ये ना गाइज, आप कभी भी कर लीजिए, अगर नाइट में फ्री हो तो आप नाइट में कर सकते हैं, डे में जब भी आप फ्री हो ना इसको आप कर लीजिए। इस तरीके से ना आपको अपने नेल्स पे आपको इस तरीके से मसाज करना है एंड जस्ट इसको इसी तरीके से छोड़ देना है गाइज। तो ये आपकी नेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा गाइज। मुझे तो काफ़ी मतलब कि इससे बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है गाइज, नेल्स की शाइनिंग को कंटिन्यू उसको बरकरार रखने के लिए। तो मुझे तो अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप बताइएगा ज़रूर। ये तो आपको ये लेना है और इसको गाइस जब भी आप रात में सोने जा रहे होते हैं ना, तो रात में सोने से पहले आपको ले करके अपने हाथों पे मींस अपने नेल्स पे अच्छे से इसकी मसाज करनी है गाइस। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ऐसा 1 वीक में करेंगे ना, तो 1 वीक के अंदर आपकी नेल्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी, नेचुरली आपकी ग्रोथ होगी गाइस। तो गाइस इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो है नेल्स में शाइनिंग ना होना गाइस। नेल्स में अगर आपके नेल्स में नेचुरल शाइनिंग नहीं है ना, तो काफ़ी ज़्यादा ये आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, नेल्स बहुत ही ज़्यादा गंदे लगेंगे। तो उसके लिए ना आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि आपको लेना है एलोवेरा जेल जो कि विटामिन ई की गुडनेस के साथ, ठीक है। तो या तो आप विटामिन ई की कैप्सूल एंड एलोवेरा जेल को आप मिक्स कर लीजिए, वो आपको किसी भी ना केमिस्ट शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। आप तो गाइस ये सारे टिप्स हैं आपकी नेल्स केयर के लिए गाइस, जो कि 100% इफेक्टिव है, आपको अच्छे से अच्छा ही आपको रिजल्ट देंगे गाइस। क्योंकि ये सारे जो जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने खुद यूज़ किया है गाइस, तभी आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ना मैं खुद ना गाइस बिना यूज़ किए कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।